नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 12 द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगीं। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए, पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पाँचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे, इस कारण कोई उनको पहचान ना सका। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमत्कार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने अर्थात मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्रीकृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुँह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य वे दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछल कर उसके मुँह पर लगा। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी ना करके तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। इस चित्र में आप देख सकते हैं अर्जुन को निशाना लगाते हुए। वह आगे बढ़ी और सर कुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया। उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। वे समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा से जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुमार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुमार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पाँचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुँचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले न समाए। उनकी इच्छा पूरी हुई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा
और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। दोस्तों अध्याय 12 द्रौपदी स्वयंवर यहाँ समाप्त होता है। इसका अगला भाग पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ वैभव, नमस्कार।